हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जून और सुबह की चाय के बाद यहाँ जो कच्चे आम का खट्टा अचार बनाने के लिए रखा था, तो हल्दी और नमक में आम के टुकड़ों को काट कर पूरी रात रखा और उसको निकाल कर, पानी निकाल कर यहाँ कपड़े में उसको एयर ड्राई होने के लिए रख दिया था। पंखे के नीचे नहीं रखना था तो यहाँ कल रात को रख दिया था। सुबह देखिए बिल्कुल ये जो टुकड़े हैं वो ड्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें अचार का मसाला में डालकर खट्टा अचार बनने के लिए रख दूँगी। उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। आपको पंखे के नीचे तो बिल्कुल नहीं रखना है वरना वो एकदम मतलब कड़क हो जाएंगे। अब पतीली में ये टुकड़े ले लिए हैं और मैं यहाँ 1.5 कप में अचार मसाला ले रही हूँ। वैसे इतने में एक जो कप मतलब बाउल है, कटोरी, वो चल जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा मसाला ज़्यादा पसंद है तो अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी अच्छे से और दोबारा ऊपर से थोड़ा और मसाला डालूँगी। कई लोगों को मसाला कम पसंद होता है, कई लोगों को मसाला ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं उनमें से हूँ जिसे मसाला ज़्यादा पसंद है। अब 2 दिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि जो अंदर की जो मेथी है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैं तेल नहीं डालती हूँ, मैं बिना ऑयल का अचार बनाती हूँ इसको। ऐसे ही जब वो फूल जाएगी तो मैं कांच के बाउल में उसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो यहाँ लंच कर रहे हैं, गुड्डू भैया खाने के लिए बैठ चुके हैं, आम रस और रोटी, और ये पोज दे रहा है मुझे, और यहाँ वो अपना टीवी में यूट्यूब चैनल चालू करके अपना गेमिंग का वीडियो देख रहा है। मैं यहाँ रोटी कर रही हूँ, लंच में आज आम रस और रोटी है जैसे मैंने आपको बताया। और मैं आप जैसे शेयर करने वाली हूँ कि मील प्लानिंग मैं कैसे करती हूँ, तो इसका वीडियो मैं पहले भी मैंने बनाया था। ये देखिए मेरा एक नाखून टूट गया तो मैंने कल ही नई नेल पॉलिश लगाई है, तो बस यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। तो मील प्लानिंग मैं आज आपसे शेयर करूँगी, ईजी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आपकी एक बार आदत पड़ जाएगी तो आपको मतलब इजी होगा आपके लिए मेन्यू डिसाइड करना। ओके, आपके वहाँ गर्मी कैसी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये मैं खाने के लिए बैठ जाऊँ। ये जो ताज़ा अचार है वो मैंने लिया है 2 टुकड़े आम के, आम रस और रोटी। कुछ तीखा कुछ खट्टा चाहिए होता है, तो यह गुड्डू वापस मेरे से नाटक कर रहा है। और यहाँ शाम की चाय के बाद मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। मेरे पास 2 रेसिपी बुक है गुजराती, और मैं जो पहले जो मैंने रफली जो बनाया था इसका मैंने वीडियो बनाया है आगे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक प्लेन पेज दिखा रही हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या बनाना है। इसके लिए चाहिए आपके इस तरह के कलरिंग स्टिकर्स, अगर ये नहीं है तो कलरिंग स्केच पेन ले लीजिए, लेकिन ये होंगे तो यहाँ मैंने 3 सेक्शन किए हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। आप अपने हिसाब से यहाँ आइटम्स को लिख सकते हैं, लंच में लिख सकते हैं, डिनर में भी ऐसा कर सकते हैं। आपको इसलिए चाहिए इस तरह की कोई भी और रेसिपी बुक जिससे आपको आइडिया मिले कि आपके परिवार में जो जो सबको पसंद है वो तो सबको पता होता है, लेकिन कोई एडिशनल कोई आइटम्स लिखनी होती है। तो इस तरह की मैं बुक्स अपने पास रखती हूँ जिससे मैं मुझे मील प्लान बनाने में आसानी रहती है। मैंने पहले भी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप पहले आपको सारी आइटम्स एक बार लिख देनी है, फिर आप उसमें से सेग्रीगेट कर सकते हैं कि आपको मंडे क्या बनाना है, ट्यूसडे क्या बनाना है। उसके लिए मैंने बताया कि आपको इस टाइप के स्टिकी नोट्स चाहिए कलरफुल, ताकि आप मंडे ट्यूसडे वेनसडे का आप अलग से बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ मेरा मील प्लान। इजी है,
बहुत ही इजी है। आपको पहले अपने माइंड में एक, आप चाहे तो पहले एक रफ वर्क कर सकते हैं कि पहले सारी आइटम्स को लिख लें, फिर उसमें से सेग्रीगेट कर सकते हैं कि भाई ये ब्रेकफास्ट में बनेगा, ये लंच में चलेगी, ये आइटम ये डिनर में चलेगी। तो पहले आपको एक पूरा रॉ लिस्ट बनाना होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, मैंने काफ़ी इस पर वर्क। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ डेली जो रेसिपी की लिस्ट है वो मैंने रफली यहाँ लिख दी है कि मंडे ट्यूसडे ये है। अब तो जैसे अभी तो लॉकडाउन है, मतलब स्कूल बंद है, तो ब्रेकफास्ट मतलब बच्चों का स्नैक्स वो वगैरह वो सब नहीं होता। तो ये मेरा रफली प्लान है जो मैंने किया है, इसमें सारी आइटम्स मैंने लिख दी है इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरह का प्लानर आता है, आप इस तरह के प्लानर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ लिख लीजिए कि आपको डिनर में लंच में क्या बनाए। इस प्लानर का यूज़ आप ग्रॉसरी लाने में, आपका वीकली प्लान करने में, मंथली प्लान करने में भी ऐसे प्लानर्स आपको बहुत यूज़ आ सकते हैं। वैसे तो ये पुराना है, आप देख सकते हैं 2015 का है, लेकिन मेरी एक जो पुरानी डायरी है जिसमें मैं ये सारा कुछ लिखती थी अपना मतलब जो रूटीन है वो मील प्लान जो मैं बता रही थी वो था। तो आप इस तरह का प्लानर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका मील प्लान आपको बनाने में इजी हो। आप इस तरह यहाँ ये स्टिकी नोट्स जो मैंने दिखाए हैं वो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ संडे मंडे है तो आप यहाँ ऊपर एक चिट लगा दीजिए, या फिर छोटा सा हैंड राइटिंग्स में आप लिख सकते हैं कि भाई ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो ये मील प्लानिंग में यूज़ होता है, ग्रॉसरी प्लानिंग में यूज़ होता है, आपका शेड्यूल घर के काम आप कैसे करते हैं वो भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ कि आप घर में जो आपका जो रोज़ के जो काम काज होते हैं उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो वो जल्दी ही वो वीडियो आएगा। तो चलिए अब देखते हैं मैंने इसमें क्या रखा है। तो ये देखिए मेरा जो रफली जो मेरा आइडिया था वहाँ मैंने प्लेन पराठा लिया है, या लंच में अरहर की दाल है, सब्जी है, कोई भी सब्जी है इसमें मैंने लिखा है। फिर स्नैक में आप अगर मुरमुरा खाखरा है, ये डिनर में मैंने बेसन प्लेन पराठा, और या फिर अगर कुछ नहीं तो हम चाय और पराठा भी खा लेते हैं। तो इस तरह आप अपने घर ये राजमा लिखा है यहाँ, या मसूर मूंग की दाल, राइस रोटी, रायता लिखा है, यहाँ मैंने छोले रखे हैं, यहाँ आलू की सब्जी रखी है, यहाँ मिक्स दाल रखी, ये रफली मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फेयर कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए पूरा वीडियो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्रेकफास्ट में जो हमारे घर में जनरली बनता है सूजी उपमा है, उत्तपा है, फिर आपने जैसे आलू पराठा बना लिया, तो ये सब ब्रेकफास्ट में बनता है। सूजी ढोकला हो गया या फिर खमन ढोकला। यहाँ देखिए मैंने सब्जी में यहाँ लिस्ट बना कर रखी है, ड्राई आलू है, ओनियन टमाटर है, आलू ओनियन है, आलू टमाटर है। यहाँ देखिए ये रोटीज है, रोटी में क्या बनती है, भाखरी है, पराठा है, पूरी है, पूरनपोली, बाजरा रोटी, मसाला भाखरी पूरी। फिर ये सेक्शन है सब्जी का, तो गोभी की सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल है। आपको इस तरह से सारा जो है यहाँ अलग अलग मैंने बताया ना आपको, इस तरह की स्ट्रिप्स कलरिंग लेकर आपको इसको यहाँ बना। दाल है तो दाल में आप कौन सी दाल यूज़ करते हैं, मूंग येलो दाल है, सांभर है। फिर यहाँ मेरी दो तीन जो स्टिकर्स हैं वो निकल गई है। अरहर की दाल आप ले सकते हैं, या ग्रीन मूंग की दाल, ग्रीन मूंग जो आते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से जो वाइट पेपर में मैं बताऊंगी आपको कैसे इसका यूज़ करना है। हफ्ते में एक बार आपको स्प्राउट्स खाना है तो छोले हैं, ग्रीन मूंग है, ब्लैक चना है, येलो मूंग है, राजमा है, ग्रीन मूंग चीला है, येलो मूंग चीला है। फिर जो ड्राई तुअर जो हमारी जो आती है तुअर मटर जैसे बोलते हैं, उसकी ग्रेवी के साथ आपको बनाना है। फिर राइस, राइस में आप तुअर दाल की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, जीरा राइस, साबूदाना खिचड़ी। फिर आप डेजर्ट में क्या, इसमें एक डेजर्ट का भी हाँ मैंने लिखा है, यहाँ डेजर्ट का भी सेक्शन बना सकते हैं जिसमें मैंने यहाँ लिखा है पूरन पोली, खीर, बासुदी, फ्रूट सलाद, गुलाब जामुन, शीरा है, यहाँ सोजी हलवा है, ये गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है। अब क्या क्या बनाते हैं डेजर्ट में वो आप एक बार इसका लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट बना देना है। अब यहाँ एक वाइट पेपर पे मैं एक ऐसा टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल बना रही हूँ कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर,
थ्री पार्ट्स होंगे और मंडे टू संडे का पूरा शेड्यूल होगा। तो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ इस वाइट पेपर पे मैंने वीक लिख दिया है, मंडे से संडे तक। यहाँ ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और ग्रॉसरी है। यहाँ देखो मैंने यहाँ मंडे में लिखा है सूजी उपमा। पी थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया। अब लंच है, लंच में आप अब हम इसमें से आइटम लेंगे। ये देखिए लंच में हम क्या करेंगे, रोटी। ये देखो मैं उपमा, रोटी और आमरस। और अब हम इसमें लिखेंगे ये जो ड्राई आलू की सब्जी है, ये चीट हम इसमें से यहाँ निकाल देंगे और यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा मंडे का लंच रेडी हो गया, रोटी, आमरस और ड्राई आलू। अब डिनर की बारी है। डिनर में अब हम जो आइटम्स हैं हमने यहाँ लिखी है वो हम लेंगे। जैसे कि शाम को अगर हम आलू पोहा, बटाटा पोहा बना रहे हैं तो ये आलू पोहे का यहाँ ये पोहा बटा का मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, अब आपको ये है कि ये आलू पोहा नहीं बनाना है तो इसको निकाल दीजिए, रिमूव दिस, यहाँ लगा दीजिए। और हमें बनाना है हांडवो तो हम यहाँ इसको चेंज कर लेंगे हांडवो। आपको सिर्फ ये एक पेज पर ये बना देना है और फिर आपको इसको अदल बदल करके आप अपना वीकली प्लान, मील प्लान आसानी से बना सकते हैं। अगर ये स्टिक ख़राब भी हो गई तो आप उसकी जगह दूसरी नई ले सकते हैं। अब ट्यूसडे, तो यहाँ मैंने पास्ता लिखा है तो मैं ट्यूसडे डिनर में मैं पास्ता रखूँगी। ओके, ये हो गया। अब आमरस रोटी, तो अभी समर चल रहा है तो ये मेरा कॉमन होगा, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं तो यहाँ मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर की जो साइड है मैं इसको यहाँ से इस तरह से लेती जाऊँगी। सिर्फ यही पेंसिल से करना है ताकि जब समर का सीज़न चला जाए तो इसको इरेज करके हम लगा सके। अब मुझे यहाँ सिर्फ एक सब्ज़ी ऐड करनी है या फिर अचार मसाला या कुछ भी मैं यहाँ लिख दूँगी। ओके, तो ये मेरा मंडे टू सैटरडे का लंच का फिक्स हो गया। अगर आप यहाँ दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि समर चला गया है तो आप इसमें आपके घर में चलिए यहाँ मैं दूसरा बताती हूँ। लंच है तो मैंने यहाँ, वेनसडे है तो हफ्ते में एक बार हम स्प्राउट खाते हैं, तो मैं यहाँ जो मेरी ग्रीन मूंग है वो मैं यहाँ ले रही हूँ। ओके, ग्रीन मूंग। और फिर यहाँ मैं नीचे लिख दूंगी दूसरी चिट में, अलग अलग कलर की चिट आपको यूज़ करनी है। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ग्रीन मूंग लिख दिया। और अब मैं यहाँ इसमें साइड में लिख दूंगी रोटी, राइस। आपका अगर कढ़ी का आपने अलग बनाया है यहाँ लिक्विड जो आप बनाते हैं दाल वगैरह उसमें, तो आप यहाँ अलग से बना सकते। तो मैंने यहाँ वेनसडे को लिख दिया ग्रीन मूंग बनेगा, रोटी, राइस एंड कढ़ी। ओके, आप यहाँ अगर सलाद लिख सकते हैं तो आप सलाद लिख दीजिए। अगर और ये स्टिक अगर आपको नहीं यूज़ करनी है तो आपको जहाँ अपनी डायरी में आपने इसको पेस्ट किया है आप वहाँ उसको वापस से पेस्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ राइस में तुअर दाल खिचड़ी लिखी है, मूंग दाल खिचड़ी, जीरा राइस लिखा है, साबूदाना खिचड़ी लिखी है, प्लेन राइस यहाँ मेरा था लेकिन वो निकल कर चला गया है। तो इस तरह से आप सारा मील प्लान कर सकते हैं। ओके, और यहाँ मैंने लास्ट में जो लिख रखा है वो ग्रोसरी लिखा है। ग्रोसरी मतलब आपको, चलिए आपने यह मील प्लान बना दिया, यहाँ आपने लिखा है लास्ट में आपको फ्राइडे को पाव भाजी बनाना है। ओके, यहाँ
यहाँ आपने पाव भाजी रख दी है। अब आपने थर्सडे को आपने देखा कि कल पाव भाजी है, लेकिन पाव भाजी का कुछ भी मटेरियल आपको नहीं मतलब है, तो आप यहाँ ग्रोसरी में उसको लिख सकते हैं कि आपको इसको बनाने के लिए आपको जो वेजिटेबल्स चाहिए तो आप लिख दीजिए वेजिटेबल्स, फिर मसाला आपको जो लाना है वो, ये सब आप पेंसिल से लिखिएगा। मैं यहाँ पेन से लिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। मसाला है या आपको जो भी कुछ, जैसे कि मटर लाने हैं तो आप मटर लिख दीजिए, फिर ओनियन लाना है, टोमेटो लाना है, जो भी आपको इस दिन की आपको ग्रोसरी में कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको सुबह में याद रहे। तो या फिर आप यहाँ की कुछ यहाँ एडवांस में लिख सकते हैं, जैसा आपको प्रीफर करें। मैं इस तरह का मुझे मैं प्रीफर करती हूँ, तो अगले दिन मैं देख लेती हूँ कि ये मुझे लाना है। ओके, तो ये था सिंपल सा मील प्लान। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ देखिए इडली सांभर वगैरह सब कुछ रखा है। अभी तो सीज़न है, समर है, आमरस है, तो यहाँ मेरे घर में कुछ भी नहीं होता, ये रिपीट टेलीकास्ट होता जा रहा है। सब्जी भी होती है नहीं होती आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे, तो ये कॉमन है मेरे घर में। और यहाँ पे जैसे कि सूजी का ढोकला आ गया, फिर सूजी की आइटम्स ज़्यादा खाई जाती है, फिर कई बार खाखरा भी होता है, फिर मुरमुरे होते हैं मसाले वाले मुरमुरे, फिर यहाँ सैंडविच आ गई। आपको मैंने बताया ना कि आपको एक रेसिपी बुक आपको चाहिए, जिससे आपको आपकी रेसिपीज़ में क्या क्या इंक्लूड करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको थोड़ा सा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है, लेकिन आई होप आपको मैंने जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ आता तो लेट मी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इस पर मेरे किसी भी व्लॉग में मैं आपको समझा दूंगी। ओके, तो चलिए मिलती हूँ आपको दूसरे व्लॉग में। क्लीनिंग रूटीन जो हमारे हाउस चोर्स होते हैं वो कैसे करते हैं, उसका मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये वीकली मील प्लान? आप इस तरह से मंथली भी कर सकते हैं। पहले आप रॉ में मतलब रफली एक आपको चार्ट बनाना है कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, फिर उसमें से आपको अलग चीज़ें बनानी है कि ये आइटम आप ब्रेकफास्ट में लेंगे, ये आइटम डिनर में लेंगे, ये आइटम आप लंच में लेंगे। ये करने के बाद आपको वीकली में उसे डिवाइड करना है। वीकली वीकली करते जाएंगे तो आपका मंथली मेन्यू आसानी से सेट हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।